मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और मकर संक्रांति का महत्व क्या है? तो जब पृथ्वी एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करती है तो हम उसे संक्रांति कहते हैं, और मकर संक्रांति इसलिए क्योंकि जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है और ज्योतिष अनुसार कर्क राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसका नाम मकर संक्रांति कहा जाता है। और इसी मकर संक्रांति को भारत के अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जहाँ महाराष्ट्र में इसे संक्रांति देवी की पूजा कहा जाता है, वहीं मध्य भारत में इसे सुकृत या खिचड़ी नाम से जाना जाता है और दक्षिण भारत में इसे पोंगल नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहा जाता है और इसी समय महाभारत के काल में पितामह भीष्म जो आजीवन ब्रह्मचारी थे, उन्होंने मृत्यु शैया पर उत्तरायण के दिन ही अपने प्राण त्यागे थे। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you.